मोहाली जिले के जीरकपुर के एक होटल में देर रात करीब 3 बजे अचानक कुछ लोग होटल में पहुंचते हैं और होटल के स्टाफ को बुरी तरह से मारपीट की जाती है। होटल का जो फर्स्ट रूम है रिसेप्शन का, वो भी बुरी तरह से तोड़फोड़ की जाती है। हालांकि पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। हालांकि जीरकपुर का ये होटल अभी थोड़े दिन पहले ही लीज पर लिया गया है। आखिर वो कौन थे, क्योंकि जो इन्होंने जानकारी दी है कि दिन में कुछ लड़के यहां पर स्टे करने आए थे, उसके बाद शाम को वहीं पर यानी कि देर रात वही आते हैं और बुरी तरह से मारपीट करके जाते हैं। हालांकि पूरा जो सामान है रिसेप्शन का, टीवी और जो जितना भी यहां पर सामान लगा था, वो सारा तोड़फोड़ करके यहां से फरार हो गए। और जो इनका स्टाफ था उनके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की गई, जो पूरी सीसीटीवी में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। हालांकि अब पुलिस में ये मामला गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है, जल्द ही कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन वो लोग कौन थे, 7 से 8 लोग बताए जा रहे हैं जो कि डंडे रॉड लेकर आए और अचानक आकर स्टाफ पर हमला कर दिया। कितने बजे की बात है, हुआ क्या था? तकरीबन 2:30 बजे की बात है, हम यहाँ पे खड़े हुए थे बाहर, वो आए और आके सीधे हमें मारने लगे, तो हम वहाँ से भागे। जब अपने होटल में आए तो वो फिर वो लड़के लेके पहुँचे और उन्होंने हमें भी मारा और प्लस हमारे पैसे भी छीन लिए। और उसके बाद में क्या करा कि उन्होंने डंडों से हमको काफ़ी ज़्यादा वार किया, बस यही था। तो कौन थे वो कुछ बताया नहीं आपने? कहा कि कुछ नहीं बताया, वो बस इतना कह रहे थे कि होटल में पहले हमारा कब्जा था, ऐसा था वैसा था, और कुछ नहीं उन्होंने बोला। पैसे वगैरह भी? पैसे हाँ, 25,000 मेरा अराउंड, मेरी जेब में 10,000 पड़े थे, 15,000 गल्ले के अंदर थे, जो पता नहीं वो भी गल्ला तोड़ दिया उन लोगों ने, क्या कर चाबी क्योंकि मेरी जेब से शायद उन्होंने निकाल ली थी पैसों के साथ में, तो 25,000 कैश उन लोगों ने। कितने लोग थे टोटल? 8 लोग थे, 4 आगे थे मोड़ पे, क्योंकि जब मैं यहाँ से भागा तो मुझे मोड़ पे भी मारा उन्होंने, मैं फिर छुड़ा के अपने आप को फिर भाग के अंदर आया हूँ। मैं कस्टमर के रूम में जाके छिप गया था उस समय, क्योंकि 4 यहाँ पे थे, 4 बाहर रोड पे खड़े। कारण नहीं पता चल पाया कि कारण, जब हमने पूछा तो बस उसमें बस गुस्सा आ रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था, गुस्सा और दिखा रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था, इतना कह रहा था कि होटल में पहले मेरा कब्जा था, बस वो बार बार यही बात बोल। पहले कभी होटल में आए हैं वो? कल हाँ, उन्होंने एक बार रूम लिया था, दिन में रूम लिया, तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, रूम लिया और चले गए अपना आराम से, मगर शाम को आके उन्होंने ऐसा बवाल किया था। तो होटल में जब ठहरे थे तो आईडी वगैरह दिया होगा, कहाँ के थे वो? मोली जागरा के थे, चंडीगढ़। जी चंडीगढ़ के। तो जानते हैं आप उनको पहले से या नहीं? पहले से नहीं जानता मैं, किसी को नहीं जानता, नहीं मिला। आपके साथ भी, आप भी सीसीटीवी में दिख रहे हैं, आपको भी मार रहे हैं, क्या हुआ? सर मैं, हम लोग गए थे बाहर खड़े थे, खाना वाना खा के उसके बाद में बाहर खड़े थे, अचानक वो पहुंचा, अकेला बंदा आया, पहले लाठी वाठी ले रखा था, मारने दौड़ा, हम दोनों लोग भगाए, मेरे तब भी हाथ में लग गया, फिर अंदर आके वो अंदर 4-5 बंदे और आ गए, फिर यहाँ पे इतना बुरा मारे, एक तो हाथ में मारे, सर पे मारे, मैं तो गिर गया इसे, इसको फिर मारने लगे, मेरे को भी मारे, इसको भी ज़्यादा मारे, मैं तो ऊपर भग गया, ये बाहर भग गया, फिर बाहर भी बंदे खड़े थे, उसके बाद ये अंदर आके कस्टमर के रूम में छिप गया। फिर तब तो यानी कि काफी जो गुंडागर्दी की गई है, आप इस होटल को संभालते हैं तो पता चला है कुछ कौन थे वो लोग और क्या मंशा से आए थे? सर अभी कुछ नहीं पता हमें, हमने पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट कर दी है, और रात जैसे इनका फोन आया मैं आया, इनको लेके गया 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ इनके लड़के के मैंने टांके लगवाए, कार्ड एंट्री करवाया इनका, इनको फिर मैंने सुबह छोड़ा 6:30 बजे, तो फिर उसके बाद मैं गया हूँ, मैं आया हूँ दोपहर में 12:00 बजे, तो आगे फिर हम स्टेशन में, अभी पुलिस स्टेशन गए थे तो वहीं से आया, उन्होंने बोला हमें कि 6 बजे आप आइए, हम इनके खिलाफ एफ आई आर करेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आप लेके आइए। तो आपको पहचानते हो कौन थे वो लोग जो सीसीटीवी में तो दिख रहे हैं मारते हुए झंडे वगैरह? उनमें से सर एक लड़का पहचान में आ रहा है, वो कल जब मैं निकला हूँ शाम को तो वो सामने होटल में मेरे ख्याल से ठहरे हुए थे। अच्छा, ये सामने होटल है, सेकंड पे रह रहे, ठीक है, तो वो यहाँ पे उन्होंने कल स्टे कर रखी थी शाम के टाइम, तो मेरे को इतना नहीं पता था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यहाँ भी स्टे किया हुआ था जैसे इन्होंने बताया, स्टे यहाँ पे भी किए थे, पर जब मैं शाम को निकला वो 7-8 लड़के खड़े थे यहाँ पे, 8:30 की बात आई, ठीक है, तो मुझे नहीं, मेरे दिमाग में ये चीज थी नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं। क्या क्या नुकसान हुआ है रिसेप्शन पे? हुआ अंदर सर रिसेप्शन पे, LED वगैरह हमारी तोड़ गए, पक्के तोड़ गए सर, टेबल हो गया हमारा, रजिस्टर जो डॉक्यूमेंट रखे थे, आईडी वगैरह वो मिस है हमारी, और मिस है सर, और एक नंबर हमारा रूम है, रूम में काफी डंडे टूटे मार के गए हैं, लाइटिंग वगैरह काफी नुकसान हो गया सर। अच्छा, एक रूम में भी काफी? हाँ जी, ये सारा, ये जितने भी डॉक्यूमेंट कह रहे कैश भी कैश सर, इसके लड़के के पास कैश रहता है, तो हम हिसाब करते हैं, जो हमारे दूसरे मेरे पार्टनर हैं तो वो थे नहीं यहाँ, वो 2-3 दिन के लिए बाहर थे, तो ये स्कैनर वगैरह सब उन्हीं पे चलते हैं। तो ये रूम भी तोड़फोड़ की है, इसमें कुछ दिखा नहीं रहा सर, लाइटिंग नहीं चल रही हमारी, कुछ वाश बेसिन वगैरह काफी कुछ कर गए। तो ये रूम में घुसकर भी जो
वो की गई है, इस रूम में भी घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ये कौन कहां डंडे वगैरह अंदर भी जो है वो यहाँ पे बोर्ड वगैरह पे डंडे मारे हैं। देखो सर बोर्ड अंदर को मारे हैं काफी डंडे। ये एलईडी बचाली लड़के ने तो आगे आगे हाथ कर लिया उसने। बाकी ये एसी उसी पे ये बोर्ड वगैरह सारे पूरे सारे खिला के गए हैं। अच्छा कारण क्या पता चला? कोई जब यहाँ आए थे लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा तो नहीं? सर कुछ नहीं पता, लड़के ने मुझे बताया कि भैया ऐसे से बात होगी। मैं तो सो रहा था घर पे, तो मैं रात को उठा, मैं आया पौने तीन यहाँ पे इनके पास। इसके सर से खून बह रहा था, बेसुध थे। ऊपर भी गए थे? ऊपर का तो मुझे। कितने रूम है आपके? ये 9 कमरे हैं सर हमारे पास, 8 कमरे रनिंग में, एक स्टाफ के लिए। ठीक है, बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया कि हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें एक काफी लड़ाई झगड़ा या मारते डंडे से मारपीट करते नजर, लेकिन कारण क्या रहा है ये अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि इन्होंने जैसे बताया कि अचानक घुसे और घुसते ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, कैश लेकर गए। पुलिस इस पूरे मामले में अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखना होगा कि आखिर वो कौन थे, कहां से आए थे और उनकी मंशा क्या थी। जीरकपुर से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18, पंजाब।